हाइट में है और माशाल्लाह सिंक आप देखें, सिंक की मोटाई भी इसकी ठीक ठाक है। इसमें 3 से 4 महीने वाली एज के बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कंकरच के फार्म पे, और ये एहसान भुड़गड़ी का फार्म है। माशाल्लाह से इसकी लोकेशन जो है वो कुंडरी है, और एहसान भुड़गड़ी के पास माशाल्लाह से इनके फार्म पे कंकरच इनके पास में अच्छी तादाद में है, क्वालिटी में बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा कुंडी जो है इनके पास वो भी अच्छी तादाद में और अच्छी क्वालिटी में है। अभी इस फार्म को आपको, जो इनका कंकरच का फार्म है, इसको आपकी वीडियो दिखा रहे हैं, और इसमें एहसान भुड़गड़ी से इस नस्ल के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके शौक़ के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसान भाई। वालेकुम सलाम। एहसान भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। एहसान भाई, कंकरच ब्रीड आपने रखी हुई है माशाल्लाह से। जी। अच्छा, इसकी रखने की खास वजह, कोई ख़ास वजह कि ये ब्रीड रखी आपने? ये बस इस पर हमको शौक था। सही है। ये खूबसूरत लगती है, इनके मुँह और इनकी जो स्ट्रक्चर भी, बॉडी का स्ट्रक्चर भी बड़ा है। ठीक है। और बस ये जो है खूबसूरत भी लगती हैं, और अच्छा ब्रीड लगा इसलिए इनको, इन पे शौक किया, काफ़ी सालों से शौक है। अच्छा, तो दूध में किस तरह से हैं ये? दूध में ये 18 किलो 15 से 18 लीटर तक दूध देती हैं। नॉर्मल खुराक पे? नॉर्मल खुराक पे। अच्छा, माशाल्लाह से दूध में भी अच्छी हैं ये? दूध में भी ठीक है, और स्ट्रक्चर वाइज बड़े वजन की होती हैं। ठीक है। और दूध में भी अच्छी हैं। तो ये इनका शौक आप कब से कर रहे हैं इस ब्रीड का? इसको मेरे को हो गए 15 साल तक। 15 साल हो गए तकरीबन आपको? तो कितनी से स्टार्ट किया था, कितनी गायें से स्टार्ट किया था आपने? मैंने ली थी कोई 10-12 ली थी। ठीक है। अल्लाह का शुक्र है, काफी दो सेल भी की हैं इनमें से। ठीक है। अल्लाह का शुक्र, अभी भी 70-80 जानवर हैं। टोटल बच्चे बड़े मिला के सब 70-80 जानवर हैं माशाल्लाह से? इससे भी ज्यादा होंगे, बच्चे बड़े, बच्चे मिलाएंगे तो ज्यादा होंगे। अच्छा, मतलब बड़े जानवर आपके पास 70-80 है माशाल्लाह से। देखे, 10 गायों से स्टार्ट किया था, और आज माशाल्लाह से 70-80 जानवर इनके पास बड़े हैं। उसके अलावा इनकी ब्रीड भी आई हुई है, जो अभी छोटे हैं थोड़े, मैं आपको इस वीडियो में वो उसकी आपको ब्रीड भी दिखाऊंगा। ऐसा में इसका, इस नस्ल के बारे में बताएं थोड़ा सा, इसका ओरिजिन कहाँ का है और किस इलाके में ज़्यादा पाई जाती हैं? ये भी जो बनासकंठा है इंडिया में, जो हिंदुस्तान में, जी जी, गुजरात में बनासकंठा का जो इलाका है वहाँ पर ये पाई जाती हैं। अच्छा। और वहाँ से जो है नंगर पार्कर में ये आई थी, नंगर पार्कर जो हमारा पाकिस्तान का जो हिस्सा है, पाकिस्तान का जो हिस्सा है। ठीक है। तो वहाँ बस ये पहले एक ही थे, मिले हुए थे, तो वहाँ पर थी। सही। अब जो है अजी सिंध में, पाकिस्तान में है, सिंध में भी आ गई है, पाकिस्तान में भी। सही। अच्छा, ये कहीं दिखती नहीं है और इलाकों में, सिर्फ ये इस साइड में मैंने ज्यादा देखी है इनको। जी हाँ, ये भी इतना जो ओरिजिनल नस्ल है वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके जो बुल हैं, जी जी, वो जो है थरपारकर ब्रीड जो है उस पर काफी छोड़े हैं लोगों ने। अच्छा। उसमें क्रास तो काफी बन गई हैं, अच्छी गायें बन गई हैं। सही। तो अच्छा, आपको मैं इनका ब्रीडर भी दिखाता हूँ। ये इनका ब्रीडर है, इनकी होम प्रोडक्शन है, इनके होम फार्म की होम ब्रीड है ये। ब्रीडर का थोड़ा सा नर को आगे करिएगा जरा, ये काला वाला जो इनका ब्रीडर है माशाल्लाह से, और अभी 2 से 4 दांत के बीच में है ये। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कद में, आपको यहीं से ऊपर से दिख रहा है सबसे अलग। ये देखें माशाल्लाह, ये इनका ब्रीडर है, दांतों में अभी ये 2 से 4 दांत हो रहा है, और बहुत ही खूबसूरत ब्रीडर। सिंह की पोजीशन देखें, सिंह की मोटाई देखें आप, ये देखें ज़रा, जाने देगा, जाने देगा। एहसान भाई, इस नर के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्या कहते हैं इस क्वालिटी में, कैसा है ये? शुक्र है, इसमें जो इसकी जो पॉइंट्स हैं उनमें बिल्कुल पूरा है। ठीक है। और ये भी खूबसूरत ब्रीडर है, ऐसे खूबसूरत ब्रीडर कम होते हैं। अच्छा, तो इनमें थोड़ी सी पहचान बताएं, इनकी पहचान क्या होती है? मुंह जो है वो छोटा हो। ठीक है। और झालर वगैरह भी बड़ी होनी चाहिए। ठीक है। जो इसके जो सींग है, जी जी, वो मोटे होने चाहिए और ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ होने चाहिए। अच्छा, इसमें पंच फेस भी आते हैं, वो ज्यादा क्वालिटी में काउंट किए जाते हैं, जिसके छोटे मुंह होते हैं बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल छोटे। ठीक है।
अच्छा अभी थोड़े से ब्रीड्स की तरफ चलेंगे, थोड़े से जो बच्चे आए हैं अभी फार्म पे वो दिखाएं जी, थोड़ा सा उस तरफ आएगा ताकि जो आप पीछे देख रहे हैं ये बच्चों का पोर्शन है। इन्होंने तीन डिवाइड किए हैं तीन पोर्शन में, एक में ये बड़े उस, अच्छा वो जो उस तरफ अलग हैं वो क्या हैं? वो भी इन्हीं में से जो फीमेल जो हैं बछड़ियाँ जो हैं जी जी वो हैं, वो उस तरफ छोड़ी हुई हैं। अच्छा वो काफ़ी उनमें से छोटी हैं, कुछ बड़ी बगाएँ भी हैं उधर, ठीक है, लेकिन ज़्यादा जो छोटी बछड़ियाँ हैं वो उस तरफ छोड़ी हुई हैं आपने, साल डेढ़ की छोड़ी हुई उस तरफ, क्योंकि वो अभी छोटी हैं तो सही लग नहीं जाए, यानी कि अच्छा कम उम्र में आप लगवाना नहीं चाहते ताकि फिर कद और कार्ड का रुकेगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये इन्होंने तीन पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, एक में तो ये बुल के साथ जो आपको दिखाऊँ, एक ये पोर्शन है जिसमें इनके पास छोटे बच्चे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें माशाल्लाह से इनकी होम ब्रीड है ये। और अच्छा ऐसा भी कितने कलर में होते हैं ये? ये कलर इसमें होते हैं तीन चार कलर होते हैं, वाइट ब्लैक होता है, ठीक है, लाल कलर होता है इसमें। अच्छा इसमें तीन से चार कलर होते हैं, वाइट कलर होता है, ब्राउन, ग्रे और ब्लैक कलर। अच्छा ज्यादा आवाज़ें हसीन किस में लगती हैं आपके आपके शौक के मुताबिक पूछे तो? कलर में अच्छी लगती हैं, ब्लैक में भी अच्छी लगती हैं। ब्लैक में जो ये हमारे ब्रीडर का कलर है जी। अच्छा ये इनकी एज क्या है तकरीबन? ये तो सामने है, ये अभी चार पाँच महीने के हैं, चार महीने के, कोई तीन महीने के। अच्छा ये तकरीबन इसमें तीन से चार महीने वाली एज के बच्चे हैं। वो एक पीछे बहुत अच्छे कलर की है माशाल्लाह। तो ये इन्होंने तीन आपको मैं फार्म कर दिखाऊँ, एक पोर्शन ये है, अच्छा एक पोर्शन इनका ये इन्होंने बनाया हुआ है, और दूसरा पोर्शन जो है उसमें यह है जिसमें थोड़ी डेढ़ साल तक की एज की जो बछड़ियाँ हैं इनके वो इन्होंने अलग की हुए ताकि क्रॉस होके जल्दी ना लग जाए, जिससे इनका वज़न जो है रुकने के चांसेस है। और एक जो है बिल्कुल तीन से चार महीने वाला बच्चों का पोर्शन है जिसमें तीन से चार महीने की एज के है। अच्छा तो ये है इन्होंने पोर्शन वाइज अलग किए हुए ताकि अलग से इसको डिवाइड कर सकें, और आप क्वालिटी में भी अंदाज़ा हो सकता है कि कौन सा जानवर किस तरीके से भरा है, कितना भरा है। अच्छा जी एहसान भाई आप जो ब्रीडर है उसकी माँ दिखाएगा ज़रा, मोर के काज, मोर 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 आवाज़ें आती है। अच्छा एहसान भाई अभी आवाज़ दे रहे हैं और जो उसकी ब्रीडर की जो माँ है वो भी आपको दिखा रहे हैं माशाल्लाह। ये सारी इनकी होम ब्रीड है जो पिछले 10-15 साल से ये मेहनत कर रहे हैं, और इनके शौक़ में मज़ीद इजाफा हो रहा है, और आप लोग भी दुआ करेगा ताकि शौक़ में मज़ीद बरकत और इसमें तरक्की हो ताकि इनका फार्म और ये नस्ल आगे बढ़ सके। ये जो ब्लैक कलर में देख रहे हैं लाइट ब्राउन में, ये उसकी ब्रीडर की माँ है। थोड़ा सा आगे लाएगा इसको देखिएगा, ये उसकी माँ है, ये देखें ये जो है ब्रीडर की माँ है माशाल्लाह से हसीन खूबसूरत ब्रीड, कलर में इसका जवाब नहीं है। और नर जो आया वो थोड़ा सा इसमें डार्क कलर में आया, इससे इसका ये भी डार्क हो जाएगी कुछ। अच्छा अभी ये दूध से फ्री हुई है, फ्री हुई है, अभी फिर रही है, फ्री है अभी। सही सही सही, अभी ये ठीक है, जाने दे जाने दीजिएगा, प्रेग्नेंट है। अच्छा दोबारा लगी हुई है, ये लगी हुई है 7 महीने की प्रेग्नेंट है, अभी भी इसके पीछे छोटा बच्चा है माशाल्लाह। अच्छा दोबारा ब्रीड भी इसकी है और दोबारा ये जो है क्रॉस हो गई है जी। हाँ ये भी हमारी जालोर नाम है इसका, ये भी बड़ी मशहूर गाय, ये भी अभी 6-7 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा ये वो है जो, तो अच्छा ये जो प्रेग्नेंट का जो हो जाती है उनको यहाँ सेपरेट कर देते हैं। अच्छा ये जो पोर्शन है जो प्रेग्नेंट का हो जाती हैं और जो छोटी होती हैं तो उनको ये सेपरेट कर देते हैं ताकि इनकी अलग से देखभाल हो सके। तो एहसान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह से बहुत हसीन खूबसूरत फार्म हमें देखने को मिला, और ये नस्ल जो है आपने संभाल के रखी हुई, हमारी दुआएँ कि इसको मज़ीद आप संभाल सकें और इसमें आपके मामले मज़ीद बरकत और इसमें मज़ीद इजाफा हो। एहसान भाई जो इस शौक को करना चाहते हैं उसके कुछ कहना चाहेंगे एंड में, फिर हम वीडियो अपनी एंड करते हैं। इस नस्ल को अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो बेचते हैं आप? तो बिल्कुल बिल्कुल बेचते भी हैं। अच्छा काफ़ी जगह पर ये खड़ी हुई हैं, हमने दी हैं। अच्छा सही, तो जो लोग शौक करना चाहते हैं एहसान साहब से रब्ता कर सकते हैं।
एक प्राइस का थोड़ा सा आइडिया देगा कि अगर दो दांत जो होता है जो मतलब तैयार होती है बछड़ी या बछड़ा वो किस रेंज में मिल जाता है? वो 3-4 लाख में मिल जाती है। 3-4 लाख में मिल जाती है जो प्योर चीज होती है। प्राइस के हवाले से भी आपसे बात हो गई इंशाल्लाह, और बाकी डिटेल मैंने आपके साथ सारी शेयर कर दी है, तो एहसान भाई से भी रब्ता करेगा अगर कोई परचेज करना चाहे तो इनकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर दूंगा, तो ज़रूर इनसे कॉन्टैक्ट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई। थैंक यू भाई। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोग इसको देख सकें और शौक़ में अपने इजाफा कर सकें। माशाल्लाह से एहसान भाई बहुत सीनियर, बहुत नॉलेज रखते हैं ब्रीड के हवाले से, इस नस्ल के हवाले से, कुंडी के हवाले से, और गुलाबी का जो इनका शौक़ है उसके हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।